रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने 13,44,000 रुपए जब्त किए हैं। जीआरपी थाना प्रभारी संतोष शेरवाली के मुताबिक रीवा से आनंद विहार ट्रेन जाती है और इस दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर रास्ता बदलते हुए जाने लगा, जिसको पकड़कर थाना लाया गया और बैग चेक करने पर उसमें से लगभग 13,44,000 रुपए की राशि बरामद की गई है। आज अभी शाम करीब 5 बजे जो रीवा से आनंद विहार ट्रेन जाती है उसी दौरान एक व्यक्ति आया और उसने देखा कि प्लेटफार्म नंबर 1 पर मेन गेट के पास पुलिस लोग बाग चेकिंग कर रहे हैं, तो वो रास्ता बदल कर जाने लग गया। संदेह हुआ, उसे हिरासत में लिया गया, पूछा गया तो उसका बैग जो ला कर के चेक किए उसमें 13,44,000 रुपये हैं। कहाँ से पैसे आए हैं इसका कोई स्पष्ट जवाब उसके द्वारा नहीं दिया गया है। किसी प्रकार की कोई कागजात प्रस्तुत नहीं की गए हैं, जिस संबंध में अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी बताया गया है, इनकम टैक्स अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है, SDM महोदय को सूचित कर दिया गया है, रुपयों की जब्ती की जा रही है, पूछताछ जारी है। इनकम टैक्स और SDM साहब के आने के बाद सारी चीज़ों की और जानकारी, जिसे हिरासत में लिया गया है ये दिल्ली का निवासी है, विपिन ढींगरा नाम है, ये पीतमपुरा दिल्ली का निवास का रहने वाला बता रहा है।